ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, हम लोगों को पढ़ना है कि अर्थ के कंपैरिजन में जब हम लोग चांद पे जाए तो हमारा वेट वहां कितना रह जाएगा, ठीक है। तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, तो वेट का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े। फोर्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ किसी एक प्लैनेट का मल्टीप्लाइड बाय अदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मून का निकाल रहे हैं। तो ये फोर्स चूंकि वेट के बराबर होता है, हम लोग यहां यूज कर सकते हैं वेट ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ एम ऑफ मास ऑफ मून, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, अर्थ के कंपेरिजन निकाल रहे हैं। तो यही फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। हम लोग मून टू अर्थ निकाल रहे हैं, तो मून का जो वेट है वो ऊपर लिखेंगे और अर्थ का जो वेट है उसको नीचे लिखेंगे। उसका फॉर्मूला को लिखेंगे, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, वेट ऑन मून के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अ मून इंटू एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहां भी हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ, तो कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को सॉल्व किया जाए तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है, जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून इंटू एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मल्टीप्लाइड। अब देखिए सेकंड पार्ट जो आपको क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है, ये तो रिवर्ट उल्टा हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एन, ये स्मॉल एन कट जाएगा, कैपिटल जी भी कैंसिल हो जाएगा, बस क्या क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ on earth is equal to mass of moon into radius of earth का square divided by, यहां देखेंगे radius of moon का square into radius mass of earth, ये formula है, इसमें mass of moon, mass of earth, radius of earth और radius of moon का अगर हम value put कर दें तो ये इसका वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना हमारा मास रह जाता है, हमारा वेट कितना रहेगा मून पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये सारा वैल्यूज है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून, इन सारा वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला में और देखते हैं क्या आता है। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ मून कितना दिया हुआ, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6.637 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है फॉर्मूला में, रेडियस ऑफ अ मून, रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद आएगा क्या, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आता है 7.36 into 10 to the power 22 kg, okay? इन सब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये approximately 1/6 आता है, exact value नहीं आता है, ये approximate value होता है। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, formula लिखेंगे, पहले use करेंगे weight on moon divided by weight on earth, weight on moon divided by weight on earth is nearly equal to 1/6, इसका मतलब इसको ये वेट ऑन अर्थ को इधर कर दिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑन वेट ऑन अर्थ, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पर होगा वो अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कैसे डिराइव किए वो आप देख सकते हैं।